अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। शादी डायरीज़ के थर्ड आइडिया के साथ आई एम बैक एंड सॉरी फॉर द डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ड्रेस की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ ग्रे नेट का ड्रेस जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी और मोती सितारे का काम वगैरह हुआ हुआ है। तो ये जो है वो बड़ा मज़ेदार लाइट सा ड्रेस है। कलर वाइज भी लाइट है और काम वाइज भी थोड़ा सटल है, तो आप बड़े आराम से पार्टी वेयर पर कैरी कर सकते हो। तो ये इसका नेक का डिज़ाइन मैंने अपने से ही सोचे हुए दादी अम्मा वाला बना लिया था, बिकॉज आई जस्ट हेट कॉम्प्लिकेटेड नेक लाइंस। तो मुझे इसी तरह की सिंपल सिंपल अच्छी लगती हैं। सो ये मैंने इसका डिज़ाइन, अब ये ज़रा करीब से आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी लाइट सटल सी हुई है, और कहीं कहीं पर ये छट्टा सा दिया हुआ है मोतियों का और एंड ऑल दैट। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सटल है। इसके साथ आपने ज़रा अच्छा सा मेकअप किया है तो उसके तरफ भी हम चलेंगे ऑब्वियसली। एनीवेज, डिटेल टू द ड्रेस अगेन, ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स भी थोड़े हैवी हैं, लाइक ड्रेस जो शर्ट है ना उसके दामन की तरह, इन पे ज़रा हैवी काम हुआ हुआ है। इसको फिनिश्ड लुक देने के लिए मैंने इसके साथ क्या किया कि जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसकी मैंने इसको पाइपिंग दे दी, तो इससे क्या हुआ कि बड़ा साफ सा लुक आ जाता है और थोड़ा सा कलर भी एड ऑन हो जाता है। बिल्कुल इसके स्लीव्स की तरह ये आप देख रहे हैं कि ज़रा ये थोड़े कंपेरेटिवली नेक से और उससे तो थोड़ा सा ज़रा हैवी हैं, जो बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। नेट तो आपको पता है वैसे ही बहुत एलिगेंट लगता है पहना हुआ। तो ये इसके जो स्लीव्स हैं इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही मैंने जो ट्राउज़र का कपड़ा था, अभी आगे आप देखेंगे कि उसको मैंने, ये देखें बिल्कुल इसके चौक पे भी और दामन पे भी वही रस्ट कलर का जो कपड़ा था वो लगवा। इससे ये होता है बड़े फिनिश्ड सी लुक आ जाती है, तो बड़ा मज़ेदार सा एक लुक आता है, कम्प्लीट सा और एक नीट सा। एंड बाय द वे, डिज़ाइनिंग गोज़ टू माई सिस्टर इन लॉ, वो बेस्ट है ड्रेस डिज़ाइनिंग में। तो बहुत से आइडियाज़ उन्हीं के होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी उन्हीं का सिलेक्ट किया हुआ था, एंड आई लव इट। ये अब आप देख रहे हैं जी, सिगरेट पैंट्स बनी हुई हैं, ये ट्राउज़र कह लो, जो भी वट एवर यू वन कॉल इट। इसका कलर मेरा फेवरेट फेवरेट है, तो इतनी खूबसूरत लगती हैं पहने हुए। एक तो कलर एड ऑन होता है शर्ट का, आपने कलर देखा बहुत ज़्यादा लाइट है, तो अगर बिल्कुल उसी कलर का आप ट्राउज़र बना लो ऑलो ठीक लगता है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि कोई ना कोई कलर एड ऑन हो जाए। तो थैंक्स टू माय सिस्टर इन लॉ, उन्होंने कलर एड ऑन कर दिया, सो इट लुक्स रियली प्रिटी। ये बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है, इसके ऊपर कोई काम शाम नहीं हुआ, पजामा वार इटसेल्फ ही अच्छा खासा वो लगता है। अभी ये भी आप देख रहे होंगे, हमने टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर्स भी ले लेंगे हर एंगल से पता चल जाए। अभी ये तीनों पेयर आप हुए हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये दुपट्टा है बीच में, वो भी नेट में है ऑब्वियसली, दुपट्टा भी प्लेन है। ओके, नाउ दीज आर द फ्यू आइडियाज़ कि आप हाथों पे क्या पहने। बैंगल्स कैरी कर सकते हैं, मैं नहीं करती, समटाइम्स एक हाथ पे कर ली, समटाइम्स नहीं, गोल्ड ही पहन लिया। अभी अगर मुझे शौक हो रहा हो, दिल चाह रहा हो, तो फिर मैं इस टाइप की कोई बैंगल्स लूँगी। प्रेफर वैसे करती हूँ कि प्लेन हो, अब ये भी आइडिया इसके साथ अच्छा है। और दूसरे हाथ पे आप रिस्ट वॉच वगैरह पहन लें, कानों में इस टाइप की कोई चीज़ हो, एक कानों में इस टाइप की कोई इयररिंग्स भी पहने जा सकते हैं। अब ये क्या हुआ है, झुमका टाइप बने हुए हैं, मतलब ज़रा स्टाइलो वाला झुमका कह लें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह के ना, तो मज़े के लगते हैं ज़रा। ये है कि ज़रा ज़्यादा हैवी भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं पहना हुआ, तो मैं तो नॉर्मली ये कैरी कर लेती हूँ क्योंकि ड्रेस ज़रा लाइट है, तो इसलिए इसके साथ ज़रा ज्वेलरी वगैरह और चीज़ें भी लाइट ही अच्छी लगे। ये लें, आपको एक साथ भी दिखा दिए। अच्छा, इसके बाद बेस वगैरह का तो क्या ही आइडिया देना होता है, लेकिन आई शेड्स के लिए मैं प्रेफर करती हूँ इनमें से एक लाइट कलर, एक लाइट कलर और इनमें से कोई डार्क कलर, नॉन ब्लैक बट ब्राउन, या ये वाला ब्राउन, और ये भी मतलब इनमें से कोई कर लूँ क्योंकि मुझे रस्ट मेकअप अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये वाला जो स्मोकी आईज है ना ब्राउन में, तो ये लुक वेरी गुड। काइली कॉस्मेटिक्स की है ये, तो ये वाले जो शेड्स हैं ना ये बहुत अच्छे जाते हैं, खसूसन जब इस ड्रेस के साथ, क्योंकि इसका पजामा रस्ट में है, अगर ये खुल गया तो
वो बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला ब्राउन तो खुसूसन यूज़ होता है, और फिर उसके साथ कभी ये और ये मिक्स एंड मैच करके ना, तो बड़े मज़े की आईज़ बन। मैं आपको अपने मेकअप कलेक्शन जब दिखाऊंगी सारी, तो उसमें बताऊंगी, तो मेरा फेवरेट पैलेट है, फेवरेट, तो इसकी डिटेल्स वगैरह तब इंशाल्लाह डिस्कस। अच्छा, आईज़ के लिए तो वो हो गया ऑब्वियसली, फिर मस्कारा एंड ऑल दैट, वो तो कंपलसरी चीज़ें हैं ना। अब ये मेरी कोई 200 साल पुरानी लिपस्टिक्स है जो मेरे साथ चल रही है, बट ये शेड्स जो है ना वो मैं रीपर्चेज करती हूँ। अभी इनकी हालतें ख़राब हुई हैं, मेडोरा की लिपस्टिक है ये, लेट मी शो यू, ये वाली, ये रस्ट कलर है, और ये जो है ना ये बहुत अच्छा जा रहा होता है इसके साथ, बड़े मज़े का लगता है ये। अब देखा लगा लगा के हालत तो उसकी ख़राब की हुई है। इसका मैं आपको स्वॉच भी दिखा दे, कुछ इस किस्म का दिखता है ये वाला कलर। तो मैं जब वो वाला ड्रेस पहनूं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो फिर मेरा ये होता है कि या ये कलर हो, अगर मैंने रस्ट मेकअप करना है तो। मैं आपको इसका नंबर भी दिखा देती हूँ, नंबर इसका उड़ चुका है। और अगर लाइट बनाई है आईज़ बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं ना ये ब्राइट पिंक कलर लगा लूँ। इसकी भी हालत मैंने ख़राब की हुई है, क्योंकि ये भी बहुत यूज़ किया है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर भी। कैमरा भाई फोकस करने की कोशिश में, इसका भी मैं आपको स्वॉच जो है ये कुछ इस किस्म का कलर है, ये वाला, ये कलर जो है ये मुझे बहुत पसंद है ये कलर। तो फिर मैं ये लगा लूँगी, और आईज़ जो है वो फिर वो ऑब्वियसली ब्राउन स्मोकी नहीं होंगी, वो फिर लाइट सा कलर होगा, कोई गोल्ड लाइट सा शिमर कर लो, गोल्ड या कुछ इस किस्म का, तो फिर मैं ये वाला कलर। पेंट की बारी, अब नेल्स के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने को बिल्कुल ही मैच करके कलर को वो करना है, कई लोगों को होता भी है, बट मुझे नहीं होता। मैंने ये ड्रेस पहना है, जितनी दफ़ा मैंने ये नेल पेंट लगा लिया। अगर आपने बहुत डिटो मैच ही करना है, तो फिर आप इस किस्म की कोई चीज़ लगा लें, ये वाला कलर, ऑल दो आई प्रेफर कि ज़रा डिफरेंट हो जाए।